आज मैं आपको बहुत एक यमी टेस्टी चीज खिलाने वाली हूँ, जिसको कहते हैं ब्रेड पकौड़ा। किस किस के मुंह में पानी आ गया सुन के, बट ब्रेड पकौड़ा यूजुअली बहुत अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि ब्रेड मैदे की होती है, उसके बीच में हम यू नो स्टफिंग डाल के उसको फिर डीप फ्राई करते हैं, तो एंडिंग अप इनटू अ वेरी अनहेल्दी स्नैक। आज मैं आपको ब्रेड पकौड़ा जो टोटली हेल्दी होंगे वो दिखाऊंगी एम्वे क्वीन वॉक में, एंड इट इज गोइंग टू बी विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल। सो लेट्स स्टार्ट। आई फर्स्ट शेयर कि मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस। सो व्हाट आई हैव हियर इज द ड्राई मसाला, जिसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर, भुना हुआ जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन, नमक एंड अ स्कूप ऑफ न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लिया है। मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पे दही है। स्टफिंग के लिए हम यूज करेंगे पनीर, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डाल के रखा है ताकि पनीर के अंदर तक वो रस जाए। हमने पतले पतले उसके स्लाइसेस काट लिए इस तरीके से स्क्वायर्स में, और साथ में दूसरा अल्टरनेटिव के लिए हमने बॉइल्ड पोटैटोज यूज किए हैं। यूजुअली ये माना जाता है कि पोटैटोज अनहेल्दी हैं, बट बॉइल्ड पोटैटोज आर नॉट अनहेल्दी, फ्राइड पोटैटोज आर। सो बॉइल्ड पोटैटोज में मैंने थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और धनिया को यहाँ पे तैयार किया हुआ है, टिपिकली जैसे हम आलू परांठा के लिए मिक्सचर बनाते हैं। आई हैव सम पुदीना चटनी हियर, एंड ऑब्वियसली द मेन इंग्रेडिएंट बेसन, राइट। और यहाँ पे हमने होल व्हीट ब्रेड यूज की है, सो इट्स नॉट इवन मैदा ब्रेड, इट इज आटा ब्रेड, एंड उसके हमने इस तरीके से छोटे छोटे स्क्वायर्स काट लिए। तो शुरू करते हैं। तो विल स्टार्ट विद मेकिंग द बेसन का बैटर। बेसन के बैटर में हम सबसे पहले डालेंगे हमारा बेसन। मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे दो कटोरी बेसन यूज किया है। आप जितनी आपकी ऑब्वियसली गैदरिंग है उस हिसाब से आप बेसन ऐड कर सकते हैं। इसमें हम अपने सारे मसाले ऐड कर लेंगे। इस ड्राई मसाले को पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि इवनली मिक्स हो जाए। बैटर को पहले हम मिक्स करेंगे दही के साथ। बैटर ना हम बहुत ज्यादा थिक चाहते हैं, ना हम बहुत ज्यादा थिन पतला चाहते हैं, जस्ट आइडियल होना चाहिए, इसलिए हम पानी धीरे धीरे मिक्स करेंगे इसमें। ये हमारा बैटर हो गया है रेडी। अब इसको हम साइड रखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ हमारे की यूटेंसिल के बारे में, जो है एम्वे क्वीन वॉक। एम्वे क्वीन वॉक, जिसको इंडिया में हम कढ़ाई के नाम से जाना जाता है। ब्रेड पकौड़े तो कढ़ाई में बनाने पड़ेंगे, बट ये हमारी जो कढ़ाई है बहुत डिफरेंट है। ये एक सेवन प्लाई प्योर सर्जिकल स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। इसके अंदर जो सेवन प्लाईज है वो इंश्योर करती है कि इसका जो बेस है, जो फ्लैट बेस है, वो एक बहुत स्टेबल रहता है हमारे गैस स्टोव के ऊपर। साथ में ये इंश्योर करता है ऑक्सीडम टेक्नोलॉजी की वजह से आपका इवन कुकिंग हो पूरे बर्तन के अंदर। इसके बहुत स्टेबल हैंडल्स दिए हुए हैं और अ वाइट लॉक लेड, जैसे हमने एम्वे क्वीन में ऑलरेडी देखा था, इसके अंदर भी वो वाइट लॉक लेड है जो इंश्योर करता है कि हम लो फायर पे इसको बहुत अच्छे लो हीट पे हम कुकिंग कर सकते हैं। तो इन द मीनवाइल अब हम इसको प्री हीट करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल सिम पे। एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने ना ऑयल डाला है, ना पानी डाला है, कुछ भी नहीं। इसको हम थोड़ा सा प्री हीट होने रखेंगे, तब तक हम अपने ब्रेड पकौड़ा की स्टफिंग्स को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो क्यूब्स हैं, इसके अंदर हम पहले थोड़ा सा हल्के से पानी का छींटा लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी पुदीने की चटनी। और इसके बीच में हम रख देंगे एक अपना पनीर का स्लाइस।
इस तरीके से हम ये तैयार करेंगे। और तो जब हम तैयार कर लेते हैं हमारे पोटैटो स्टफिंग के साथ, इसी तरीके से इसको भी हल्का हल्का हम गीला करेंगे और थोड़े से आलू को लेके इसमें हम सेट कर देंगे। यहाँ हमारी ब्रेड रेडी है स्टफिंग के साथ, ये हमारा बैटर रेडी है और यहाँ पे हमारी वॉक जो है वो प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से इसमें सेट करेंगे। सो वी टेक वन सैंडविच, इसको पतला पतला ऊपर एक लेयर डालेंगे और हल्के से हम इसको यहाँ पे रख देंगे। और इसको अब हम ढक देंगे और सिम पे बिल्कुल इसको पकने देंगे। हमने सो चुके हैं, अब हम इसको निकाल के देखेंगे। यस, ये थोड़ा सा निकल आएंगे। इनको हम धीरे धीरे साइड इनके टर्न कर देते हैं। मैं आपको वीडियो में इसकी खुशबू नहीं दिखा सकती, नहीं तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी बेसन के पकने की। अब हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट लॉट है वो डाल देते हैं। अगेन डिप इट और एक्सेस को हटाते हुए हम यहाँ पे इसको सेंटर में सब। हमारा ये वाला लॉट भी रेडी हो गया है। अब हम इनको सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। हेल्दी ब्रेड पकौड़े रेडी हैं। इनको आप सर्व कर सकते हैं टमाटो केचप और पुदीने की चटनी के साथ। हल्का सा इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल सकते हैं एंड एक हेल्दी और यमी स्नैक रेडी है आपके लिए। सो हेल्दी ब्रेड पकौड़े विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल।